मॉर्निंग, आई थिंक मॉर्निंग नहीं, अभी बज रहे हैं डेढ़, इट्स 1:30 राइट नाउ एंड मेरा मेकअप हो गया कंप्लीट। एक्चुअली यार मेरे आई लैशेज कभी भी ढंग से नहीं लगती, आज फिर भी थोड़ी ढंग से लगे। मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी लास्ट वीक एंड माय हस्बैंड इज इन ऑफिस, वो मॉर्निंग में चले गए थे एंड आने वाला है। पिछले 2 घंटे से मेकअप कर रही हूँ। और गाइज इफ यू गोना ट्राई दिस प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड कीप वॉचिंग दिस। बिकॉज आई हैड शावर एंड देन मैंने उसके बाद अपना फेस रूटीन कर दिया था। जैसे कि फर्स्ट आई हैव यूज दिस रोज वाटर एंड देन सीरम देन मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन। तो मेरा बेस ऑलरेडी सेट है। ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे यूज करनी चाहिए, चाहे आप मेकअप कर रहे हो चाहे आप मेकअप नहीं कर रहे हो, आपको ये सारी चीज़ यूज करनी ही करनी है बिकॉज आपके फेस को हाइड्रेशन भी चाहिए, आपके फेस को बेस चाहिए, आपके फेस को प्रोटेक्शन चाहिए सन से। तो सनस्क्रीन तो आपको डेली 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 यूज करनी चाहिए, चाहे आप घर से बाहर निकल रहे हो चाहे आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, आपको सनस्क्रीन लगानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप घर पे हो तो सनलाइट जो अंदर आती है घर के अंदर रूम के अंदर, सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्शन देगा उससे, बाहर जा रहे हो तो आपको बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है लगाना। मैं तो डेली यूज करती हूँ सनस्क्रीन, चाहे मैं घर पे बैठी हूँ चाहे मैं बाहर हूँ। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर स्किन। तो मैंने फेस रूटीन तो सारा कर दिया था, अब लेट्स जंप इन टू द मेकअप। सो फर्स्ट आई एम गोना यूज प्राइमर, दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी, brighten skin, modify pores, moisturizing and nourishing. And I'm in the shade natural tint. Actually ये मैंने बहुत सारे मेकअप वीडियोज में देखा है कि काफी लोग ये यूज कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे यूज करूँ। एंड गाइज दिस इज सो गुड। एक्चुअली प्राइमर हम यूज करते हैं अपने पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर योर मेकअप बेस। अगर आपके पोर्स बहुत ज्यादा ओपन है तो आपको प्राइमर यूज करना ही करना चाहिए फॉर फ्लॉलेस बेस। प्राइमर पार्ट इज डन, नाउ जंप इनटू द नेक्स्ट स्टेप। एक्चुअली मेरे पास 2 फाउंडेशन हैं अभी, ये वाला तो है बहुत ज़्यादा लाइट, मतलब ये मेरी स्किन पे मैं लगाऊंगी तो मैं तो भूत बन जाऊंगी, ये मेरा फेस को बहुत ही ज़्यादा वाइट कर देगा। और ये मेरे स्किन से थोड़ा सा शेड डार्क है तो मैं इन दोनों को मिक्स करके लगाने वाली हूँ। दिस फाउंडेशन इज फ्रॉम फिट मी एंड आई एम इन द शेड 222 ट्रू बीच एंड दिस इज लैक्मे 9 to 5 प्राइम प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड ही नहीं लिखा है क्या इसमें, ओह सॉरी W240 वॉर्म बीच। ये मेरे शेड से थोड़ा डार्क है। गाइस आई डोंट नो व्हाई, मैं जब ऐसे देखती हूँ अपने फेस को तो मेरे फेस में इतने सारे स्पॉट्स दिखते हैं, बट अगर मैं मिरर में देख रही हूँ तो मुझे अपना फेस क्लीन लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मैंने डार्क वाला शेड थोड़ा कम लिया है एंड जो लाइटर शेड था वो मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है। एक्चुअली मैं गई थी परसों अपना हेयर कट करवाने और मैंने उसे बोला था, इतने थे मेरे, इतने लंबे बाल थे मेरे, और मैंने उसे बोला था कि शोल्डर तक कट कर दे और उसने कैंची लगाई सीधे यहाँ। क्या बोलूँ मैं उसे, स्मूटी को मारने का इतना मन कर रहा था ना। वैसे मैं डेली बेसिस पर कभी भी फाउंडेशन प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम डेली मेकअप यूज कर रहे हो ना कहीं वो तुम्हारे फेस को थोड़ा हार्म देगा।
बाई चांस मुझे थोड़ा दूर जाना है, बीबी क्रीम यूज कर लेती हूँ, तो आई थिंक ज्यादा बेटर है स्किन के लिए। फाउंडेशन सिर्फ मैं मेकअप वीडियो बनाने के लिए यूज करती हूँ, या फिर बहुत ही ज्यादा जैसे पार्टी में जाना है, जैसे कि बर्थडे पार्टी हो गई या फिर शादी हो गई, इस जगह में यूज करते हैं फाउंडेशन। आई डोंट थिंक सो कि डेली बेसिस पे यूज करना चाहिए। वो सारे ना मुंह पे आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है मेरे सर पे ना बाल ही नहीं है। कोई बात नहीं, पड़ जाएंगे और क्या बोल। सो आई एम डन विद माई बेस। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेबली न्यूयॉर्क फिट मी कंसीलर एंड आई एम इन द शेड 20 सेंट। आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक आई लुक। एक्चुअली आई एम ऑब्सेस्ड विद आई लुक्स, सो मुझे अलग अलग आई लुक्स करने का बहुत मन करता है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज कोई डिफरेंट आई लुक यूज करूँ, मतलब क्रिएट करूँ। आजकल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आई थिंक सो, अगर बनेगा तो। नेक्स्ट आई एम यूजिंग NY कंटूरिंग स्टिक एंड इसका शेड है टोस्ट NY BFC S7। मेरा पार्टनर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये आपके फेस को थोड़ा शेप देता है, और मेरा फेस थोड़ा गोलू मोलू सा है, तो मुझे लगता है कि इसको मुझे यूज करना चाहिए। गाइस जो पीछे से आवाज आ रही है प्लीज इग्नोर करना है उसको, बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दिन भर शोर ही होता रहता है, और हमारी वाली बिल्डिंग में तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो जस्ट इग्नोर इट। सो माय आईशैडो बेस इज डन, नाउ इट्स टाइम फॉर बेकिंग। Blue Heaven Flawless Finishing Powder Radiant Finish Long Stay, just wait, I am in the shade Natural। Baking भी बहुत जरूरी है आपके फेस को, आपके बेस को सेट करने के लिए, so always use blue powder after your face। Forward to blush, and for blush I am using Swiss Beauty Pro Blusher and Highlighter। ये palette आई थिंक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसमें है हाईलाइटर कॉन्टोर एंड 1, 2, 3, 4, 5 शेड्स ऑफ ब्लशेज। इसमें अगर आप डार्क शेड ये वाला यूज करना चाहते हैं तो इसमें डार्कर शेड भी है एंड इसमें लाइट वाला भी है। माई पर्सनल फेवरेट इज दिस वन पीची, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा यूज़ करें। सो मैं यूज़ करती हूँ ये वाला क्योंकि ये वाला बहुत ही प्यारा है। कंटूर एक बार दोबारा से यूज़ कर लेती हूँ। आई एम यूजिंग द सेम शेड जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा इसे The texture is so nice. I'm loving it. Blush is also my favorite part because it gives you a natural look. Actually, I'm loving my base today. क्योंकि आज मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो मैं बहुत शांति से और आराम से अपना बेस बनाऊंगी हूँ एंड आई एम लविंग माई कंटूर। लविंग दिस कलर पीची पीची। मेरे ब्राउन तो बाल ही नहीं है।
इट्स टाइम फॉर फाइनल स्टेप दैट इज माई मोस्ट फेवरेट पार्ट माई शैडो पार्ट एंड टुडे आई एम डूइंग वेरी ग्लिटरी आई शैडो. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस कलर ऑन माई आईलिड्स. दिस वन दिस इज वेरी लाइट एंड पीची शेड विच आई लव लव लव. सो इसको लगाएंगे हम आउटर कॉर्नर में. नेक्स्ट आई एम यूजिंग ब्लैक आई शैडो. सो इसे बहुत ही आराम से करना पड़ेगा. अब हम इसके अंदर करेंगे यहाँ पे व्हाइट एंड देन शिमरी एंड नाउ आई एम यूजिंग द शिमर व्हाइट शिमर. गंदा एक्सपेक्ट किया था बट अच्छा लग रहा है. हम इसके ऊपर लगाएंगे व्हाइट या फिर करूंगी स्काई शिमर. मैं ऑफ कैमरा ये वाला आईज एंड आई लैशेज लगा के आती हूँ. मैं यूज करने वाली हूँ हाईलाइट को विच इज वेरी वेरी एसेंशियल. Thank you.
it for today's video. If you like my video, please 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 do share and do subscribe to my channel. Please 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 please. And मैं आगे भी ऐसे ही लुक करती रहूंगी, आईज लुक, बिकॉज आई एम नोइंग दिस. आई थिंक आज थोड़ा सही बना है, बेटर बना है. प्लीज अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, प्लीज गाइस प्लीज प्लीज डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल.